कर दिए ना। अब हम पढ़ने वाले हैं प्री पोजिशन का सेकंड प्रकार, क्या है? प्री पोजिशन ऑफ प्लेस। देखो प्री पोजिशन मैंने जो बताया, जनरली दो चीजों के ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक तो होता है समय के लिए, दूसरा होता है स्थान के लिए। और ये क्या होते हैं? एक संबंध सूचक अवयव होते हैं जो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ क्या बताते हैं? संबंध को व्यक्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्री पोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये होते हैं दो, पहला होता है एट और दूसरा होता है इन। प्री पोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे ज्यादा मतलब इन्हीं का तो इस्तेमाल होता है, ठीक। पहला क्या है? एट और दूसरा क्या है? इन, ठीक। सबसे पहले बात करें हम एट, तो एट का जो प्रयोग किया जाता है वो परफेक्ट लोकेशन के लिए किया जाता है। अब उसके लिए कैसे समझेंगे कि मान लो बात हम कहते हैं कि हम कहां हैं? हम नैनपुर के रेलवे स्टेशन में हैं। कहां है? नैनपुर के रेलवे स्टेशन में। तो नैनपुर का जो रेलवे स्टेशन एक निश्चित जगह है ना, और नैनपुर से छोटी जगह भी है। तो वैसी स्थिति में हम वहां पे क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट। अब बात करें हम इनकी, तो नैनपुर बहुत बड़ी जगह है। हम कहते हैं कि हम नैनपुर में हैं। अब नैनपुर में तो है लेकिन हमको नहीं मालूम कि हम कहां हैं। भाई बहुत बड़ा नैनपुर है, हम कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे? इन। समझ में आ रही बात? जिसको एक एग्जांपल के तहत हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मान लो बात कहीं का नाम आया है, ठीक है ना, मुंबई इज सिचुएटेड, मुंबई इज जैसे कोरोना वायरस इज फाउंड एट वुहान सिटी इन चाइना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, इसमें आपको एक ही बार में समझ में जाएगा, वुहान, ठीक है ना। कोरोना वायरस इज फाउंड एट वुहान सिटी, ठीक है ना, इन चाइना। अब यहां अच्छे से समझो, देखो जो कोरोना वायरस था वो कहां पर खोजा गया था? वुहान सिटी में, ठीक। तो वुहान सिटी के आगे क्या लगा है? एट। और इसके बाद जो चाइना, इसके आगे क्या लगा है? इन। तो जो छोटी जगह होती है उसके आगे क्या लगाते हैं हम? एट। और जो बड़ी जगह होती है उसके आगे क्या लगाते हैं? इन। हमेशा इस चीज को याद रखना। और अगर इस तरीके से आता है और मान लो यहां पे खालिस्तान दे दिया हो कि यहां पे आपको प्री पोजिशन लगाना है, तो हमेशा याद रखना लास्ट में जो नाम आएगा उसके आगे हमेशा क्या लगेगा? इन। और जो पहले आएगा उसके आगे क्या लगेगा? एट। क्यों? क्योंकि जो पहले नाम आया है वो बाद में आने वाले शहर या जो कंट्री है उसी के अंदर वो स्थान पाया जाएगा। तो लास्ट में आने वाला जो शहर या सिटी जो भी है उसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? वो बड़ी जगह होगी, ठीक है ना। और ये जो एट है वो किसके लिए लगाई जाती है? छोटी जगह के। जैसे नैनपुर के अंदर रेलवे स्टेशन है तो नैनपुर के आगे क्या लगेगा? इन। और रेलवे स्टेशन के आगे एट। बात समझ में आ गई? तो बस ये दो ही ज्यादा है जिनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है।